अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर की 800 जो पोस्ट थी उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लास्ट डेट क्या है, आपको ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें रेस पेस बाकी जो चीज़ें वो आ रही हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम जो है पहले होगा या फिर आपका फिजिकल फिटनेस का जो भी रेस वगैरह है वो होगी, तो ये सब जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखें, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2021 आज यहाँ पर आई हुई है, जिसमें यहाँ पर जो 800 पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की वो यहाँ पर हैं। मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊँगा और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो भी बताता हूँ। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 10 नवम्बर से 10 दिसंबर तक। 10 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें 550 फ़ी होगी और उसकी जो एज लिमिट है वो है 18 ईयर मिनिमम और 28 ईयर मैक्सिमम। 1 जनवरी 1993 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद। तो ये सभी जितनी भी कैटेगरी हैं सब के लिए यही है 18 to 28, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो या ओपन मेरिट हो। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने रखा है इन सर्विस पुलिस पर्सनल को, वो 30 ईयर मतलब अगर उनकी एज है तब भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर 550 रुपीज़ है। अगर कोई स्टूडेंट SC ST कैटेगरी का है उसको 400 रुपीज़ है। अब जैसे यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगी 10th of November 2021, तो आपको ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर जाना है। जिस दिन यहाँ पर लिंक ओपन होगी आपके लिए वीडियो आ जाएगा, डेमो वीडियो, की आपको अप्लाई कैसे करना है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको, जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के साथ 0.25 एक रैंक का आपको कट हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। मेल्स के लिए हाइट जो है 5 फीट 6 इंच मिनिमम, चेस्ट की गर्थ जो है 32 इंच होनी चाहिए एक्सपेंडेड 33.5 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए हाइट जो है 5 फीट 2 इंच मिनिमम है। अब जिन कैंडिडेट्स का ऊपर वाला जो क्राइटेरिया है वो फिल हो जाता है, उसके बाद इनका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। उसमें क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट्स हैं लॉन्ग रेस है 1600 मीटर्स 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में और 20 पुशअप्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में और उनको शॉर्ट पुट्स है 4 kg का 14 फीट एंड 6 इंच तक यहाँ पर इनको ये फेंकना होता है। 3 अटेम्प्ट इनको दिए जाएंगे। अब कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विस मैन को। अगर एक्स सर्विस मैन कोई मेल कैंडिडेट्स है, अगर उसकी अप टू 30 ईयर एज है, उसको 1600 मीटर्स वो भी 6 मिनट 30 सेकंड में, पुशअप्स 20। अगर 30 to 40 ईयर उसकी एज है 1600 मीटर्स 7 मिनट एंड 30 सेकंड्स में। ऐसे यहाँ पर उन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स को भी रखा हुआ है, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस जो है वो स्प्रेडली अनाउंस होगा, जैसे अनाउंस होगा आप उस पर भी वीडियो जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा के जो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट है सब इंस्पेक्टर J&K पुलिस डिपार्टमेंट में, पे स्केल जो है वो 35,700 जो है बेसिक पे है, अप टू 1,13,100 जो सब इंस्पेक्टर है कैडर यूटी वाइज है। ओपन मेरिट की 400 है, SC की 64, ST के लिए 80, OSC के लिए 32, ALCIB के लिए 32, RBA के लिए 80, PSP के लिए 32, EWS के लिए 80, टोटल बनती हैं 800। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं इसमें क्या है, कैंडिडेट जो है वो भी किसी मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसकी। फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बोल भी दिया, यहाँ पर सब कुछ बता दिया जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन होगा फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को PST के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने रखा है टोटल जितनी पोस्ट हैं उसका 6 टाइम्स जो है टोटल जो वैकेंसी इनको चाहिए, 6 टाइम्स एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेंगे ST के लिए 6 टाइम्स एक्स्ट्रा, ये बनता है 4800 स्टूडेंट्स को ये मतलब पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें 4800 स्टूडेंट्स को लेंगे। अब 4800 स्टूडेंट्स का जैसे PST होगा उसमें जो जो एग्ज़ाम मतलब जो इसका इसकी जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो जैसे ही कंप्लीट करेगा तो उसकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आप स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उन सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।